इससे पॉसिबल हुआ। फर्स्ट क्रेडिट मैं जो देने वाला हूँ उसको, वो है जैनिज्म। ये जैन का इतना ताकत है इसमें कि मेरे जैसे एक सामान्य मॉडल को एक मॉन्क बना सकता है। एक ही था उसमें आके मेरा गोल कि प्रवीण तुम आके इस संसार में बहुत कुछ कर चुके हो, अभी आके तुम्हें ये लग रहा है कि ये संसार मुझे कुछ देगा, कुछ खुशी देगी। ये जो था वो टेम्पररी था, जहाँ पे जाता था थोड़ा इंद्रियों के सुख से हम लोग को लगता है कि हमारा ये सुख है करके, बट असली सुख जो मैं ध्यान में पाया और मैंने अनुभूति किया, वो जो एक्सपीरियंस है उसके बलोदर में मेरे को लगा कि ये जो विदिन हैप्पीनेस है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो सबसे बोलूँ कि रसगुल्ला से भी 10 गुना दी। इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना शांति। मैं जब सुबह उठता हूँ तो इसके ऐसे लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अभी कोर मान माया लोग है ही नहीं। ऐसे लगता है मेरे को एवरी मॉर्निंग मैं ऐसे दर्शन करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। हम लोग ऐसे संस्कार अंदर है कि हम लोग जैसे मेरे को प्रवीण नाम से बुलाएंगे तो मैं उठूंगा, जैसे वर्षा ऐसे नाम से बुलाओगे तो वो उठेगी, उसको मैं बोलूंगा आत्मा उठ नहीं उठेगी। तो किसी को अपने को रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम लोग सिर्फ आत्मा ही है। इस आत्मा का जो अनुभूति हुआ ना वो उद्यान तक भी हुआ, वहां से मेरे को मेरा फोकस ऑफ लाइफ दृढ़ हुआ कि ये इसके लिए ही आए हैं, इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे जीवन बिताना चाहिए। और ये जो मनुष्य भाव आज सुबह हम लोग सब चर्चा कर रहे थे मनुष्य भाव का, इसके लिए मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये एक ही भाव है, ये एक ही लाइफ है। अभी नहीं करेंगे तो सब करेंगे ये सब। अभी हम लोग कितना भी मौज मस्ती करते अनादिकाल से यही सब तो करते आ रहे हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ इतना चाहिए तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग भी इजी है, क्योंकि टफ नहीं है। एक तो माइंड गेम, आप माइंड को एकदम परफेक्ट और सीधा रखे, एकदम दृढ़ रखोगे ना, और अल्टीमेट फेज होते हैं कि आप जो गुरु भगवान को जाके पूछते हो तो वो बोलते तो वो सत्य ही है। ये जो मानना है ना, वो बिलीफ सिस्टम आप स्ट्रांग रखोगे ना, कुछ भी आगे आ जाए कोई मिला नहीं सकता है। मेरे को 5 साल हो गए, काफी घुमा है, काफी कुछ किया है, बट मेरे को मेरे इतना स्ट्रांग था अंदर का वो जो बीच, वो कोई हिला नहीं पाया। बहुत ट्राई किए, बहुत कुछ हुआ, बट मैं नहीं हिला। बिकॉज क्या, मेरे को संयम ग्रहण करना है, इस मनुष्य भाव को दाखिल करना ही है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये एवरी डे मॉर्निंग में उसके ये बोलता आज करना है, कल आप मरता होगा तो आप क्या करेंगे? आज आप एक दिन बोलिए कि आज एक ही दिन जिंदगी आप क्या करोगे? रीजन के लिए आप पूरा निक्षोवर कर दोगे, पूरा सब कुछ करोगे जो जो पॉसिबल है आपसे। बस यही एवरी डे मॉर्निंग यही उसके हम लोगों को यही ध्यान करना है कि आज कल मैं मर जाऊंगा तो क्या, तो आज मैं सब कुछ करूंगा, जितना पॉसिबल है सब करूंगा। बस ये मोटिवेशन जैसे पर एग्जाम्पल बोलता है, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, या बॉक्सर है जो वर्ल्ड चैंपियन है, ये सब क्यों आगे है? डेडिकेशन, एक ही चीज, एक ही गोल, एक ही टारगेट, यही चाहिए मेरे को लाइफ में। उसके लिए सब कुछ वो लोग इच्छा हुआ करते थे। आर्मी वो तो बनने के लिए तैयार है अपने इंडिया के लिए, तो मतलब हम लोग क्या कर क्या रहे हैं? हम लोग को तो संयम जीवन पालना है, खुशी से रहना है, इतना ही तो करना है। इतना क्यों डिफिकल्ट लग रहा है ये सब चीज़? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जब भी ऐसे बोलते हैं कि इतना दीक्षार्थी ये दीक्षार्थी वो, बट बहुत सिंपल है, बहुत फर्स्ट स्टेप है ये तो। मेरी पर्सनली मेरे लिए एक फर्स्ट स्टेप है कि इसको करने के लिए, और आनंद। अब मेरे गुरु को देखोगे ना, हमारे कोई भी कभी भी जाओगे देव गुरुप्रसाद इतना स्वीट, इतना मतलब हम लोग देखते हैं तो ऐसे मोहित हो जाते हैं, तो मैं क्यों ऐसा नहीं बनूं? हमको तो लगता है ना कि हम लोग को भी यही बनना है, यही करना है, बस वो एक स्टेप। अब एक स्टेप आगे लगो, ट्रस्ट मी, भगवान की कसम खा रहा हूँ कि वो भगवान ऊपर जो बैठा है ना नहीं छोड़ेगा। बस आप डूबने के लिए रेडी रह जाओ, हाथ हजार रहेंगे वापस, बस आपको डूबने के लिए रेडी रहना। मैंने मेरे पास में बहुत पाप किए हैं, उसके पहले जो पहले जन्म था वो भी बहुत पाप किया हुआ है, उसको सब गिराने के लिए सबसे ईजिएस्ट तरीका मेरे को आके लगा है कि ये दीक्षा लेके मैं प्राप्ति कर सकता हूँ।